और चलिए अब आपको एसएमएस अस्पताल से जुड़ी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य की वो जानकारी लेंगे, और क्योंकि रामेश्वर डूडी को कल ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके बाद उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। और इसी खबर पर सहयोगी सतवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सतवीर, कहाँ पर आप मौजूद हैं और बीडी कल्ला क्या पहुँच चुके हैं, अपडेट दे दीजिए। जी देखिए, जिस तरीके से जो एसएमएस अस्पताल के जो बांगड़ में के आईसीयू के अंदर कांग्रेस के जो नेता हैं रामेश्वर डूडी, उनका इलाज यहां पर चल रहा है। और अभी सुबह जब मंत्री जो बीडी कल्ला है वो यहां पर पहुंचे थे, और एक बार फिर वापस जो मंत्री बीडी कल्ला है आईसीयू के अंदर पहुँचे, और यहाँ पर जो सभी जो बोर्ड जो उनके निगरानी के लिए जो बोर्ड बनाया गया था, वो बोर्ड के जो सभी चिकित्सक हैं सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए। तो ऐसे में अब उन्हें रामेश्वर डूडी को जिस तरह से उनकी हालत जो स्थिर बनी हुई है, उसके बाद में हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर दिल्ली रेफर किया जा सकता है। और इसके बाद में लगातार जो डॉक्टरों की जो टीम है उनसे जो चर्चा है वो यहाँ पर बीडी कल्ला के तहत की जा रही है। फिलहाल आपको मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से बाहर अगर आईसीयू के अंदर की बात करें तो बीडी कल्ला और जो मेडिकल जो बोर्ड है उसके सदस्यों से जो चर्चा है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसके अलावा उनके जो स्वास्थ्य के बारे में लगातार जो जानकारी है वो बीडी कल्ला पहले भी ले चुके थे, और उसके बाद में अभी एक बार फिर वो वापस यहाँ पर पहुँचे। और जैसे कि बाहर का जो नज़ारा है आईसीयू के बाहर का, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो उनके कार्य शुभचिंतक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरी तरीके से वो चाह रहे हैं कि एक यहाँ से कुछ अच्छी खबर हो जाए उसके बाद में। लेकिन अभी चर्चा का जो दौर है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जो मेडिकल के जो बोर्ड के जो सदस्य हैं, जिसमें एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं अचल शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी जो चर्चा है वो यहाँ पर की जा रही है कि चर्चा के दौरान ये डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें दिल्ली यहाँ से रेफर किया जा सकता है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य लगातार जिस तरीके से कल जो सर्जरी अभी भी उनकी हालत है वो। बिल्कुल सतवीर, एक बार बीडी कल्ला जहाँ मौजूद है वो तस्वीर दिखा दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये जो आईसीयू है जहाँ कर अंदर जहाँ मीटिंग है वो वहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है, और वहीं पे ही जो बीडी मंत्री जो बीडी कल्ला हैं इस आईसीयू के अंदर यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद में अंदर ही जो मेडिकल बोर्ड के जो सदस्य है, जो निगरानी के लिए उनकी टीम बनाई गई थी, उसके सभी जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद है बीडी कल्ला के साथ में। जो एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं अचल शर्मा, वो मौजूद हैं। इसके साथ ही जो डॉक्टर बीएल कुमावत हैं, डॉक्टर एसएम शर्मा हैं, और डॉक्टर सुधीर मेहता और डॉक्टर रश्मि कटारिया, ये सभी जो हैं बोर्ड सदस्य में थे, और उनसे अभी जो वापस उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, और वहाँ पे चर्चा की जा रही है कि उन्हें दिल्ली रेफर किया जाए। और उसके बाद में, क्योंकि जिस तरीके से कल जब इनको यहाँ पर भर्ती कराया गया था, उसके बाद में इनकी जो सर्जरी है वो की गई थी, और सर्जरी करने के बाद में उन्हें आईसीयू में जरूर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है। फिलहाल जो आईसीयू के बाहर का अगर नज़ारा दिखाऊँ तो वहाँ पर भी जो कार्यकर्ता हैं उनके चिंतक है वो यहाँ पर मौजूद है, और पूरी तरीके से यहाँ पर निगाहें लगाकर बैठे हैं कि मंत्री जब बीडी कल्ला यहाँ से बाहर आएंगे तो वो यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे, और क्या उन्हें रामेश्वर डूडी को दिल्ली में जो रेफर किया जाता है या यहाँ पे ही उनका इलाज चलेगा, उसके बारे में भी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी। कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं सर, अभी यहाँ पर बात सामने आ रही है कि उन्हें दिल्ली रेफर किया जा सकता है, और आप भी सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरा प्रदेश माननीय डूडी साहब के स्वस्थ होने की जल्दी से जल्दी कामना कर रहा है, और अपने तरीके से सभी पूजा पाठ और दुआएं में लगे हुए हैं। ईश्वर जल्दी उनको ठीक करेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से कल जब उनकी सर्जरी हुई थी उसके बाद में अभी भी उनकी जो कंडीशन है स्थिर बनी हुई है, अब उन्हें दिल्ली की तरफ रेफर कर रहे हैं ताकि बेहतर इलाज मिल सके। यहाँ से जब दिल्ली ले जाएंगे तो सोच समझ के ले जाएंगे, और यहाँ से बेहतर इलाज दिल्ली के अंदर होगा। जो डॉक्टर कर रहे हैं वो सब राइट है, और समाज पूरा डॉक्टरों के साथ है और भगवान के साथ है। देखिए, जो लोग हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसा बेहतर इलाज है उनको यहाँ पर मिलना चाहिए, इसलिए अगर डॉक्टर चाहते हैं कि उन्हें दिल्ली रेफर किया जाए तो वहाँ से भी दिल्ली रेफर किया जा सकता है। फिलहाल जो मंत्री बीडी कल्ला अंदर आईसीयू के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, और जो बोर्ड के जो मेडिकल बोर्ड है उनके जो सदस्य हैं उनके साथ में जो चर्चा है विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है, और उसके बाद में जो निर्णय है वो लिया जाएगा। बिल्कुल सतवीर, अगर उनकी तबीयत के बारे में बात करें, रामेश्वर डूडी की तबीयत फिलहाल क्या स्थिर बताई जा रही है, और दिल्ली जो रेफर करने की बात हो रही है, क्या वजह है कि दिल्ली रेफर करने की बात कही जा रही है?
जी देखिए, जब उन्हें मंगलम हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया था और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके हालचाल पूछने के लिए पहुंचे थे, तो हालात थोड़ी ख़राब होने के कारण, गंभीर स्थिति होने के कारण उन्हें एसएमएस अस्पताल के जो बांगड़ में यहां पर भर्ती कराया गया था, जहां पर जो डॉक्टरों की निगरानी के अंदर उनके जो सर्जरी है वो यहाँ पर हुई थी, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो आईसीयू में तो उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो उनकी हालत है वो थोड़ी सी स्थिर बनी हुई है, जो थोड़ी सी क्रिटिकल यहाँ पर बनी हुई है उनके, जिसके बाद में लगातार जो मेडिकल जो बोर्ड यहाँ पर बनाया गया था उससे निगरानी का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर चलता हुआ नजर आया था, निगरानी की जा रही थी ताकि किसी भी तरह की जो बेहतर इलाज है वो यहाँ पर मिल सके। लेकिन अभी फिलहाल जब सुबह की बात करें तो मंत्री जो बीडी कल्ला है वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो चिकित्सक है उनसे जो चर्चा है वो यहाँ पर की थी, और चर्चा करने के बाद में मंत्री बीडी कल्ला यहाँ से वापस चले गए थे, लेकिन एक बार फिर वो यहाँ पर जो आईसीयू के अंदर है वो पहुँचे हैं, दोबारा यहाँ पर आए हैं, और इसके साथ ही जो मेडिकल बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया था, और अब फिलहाल जो लोग हैं वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कुछ अंदर से जो खबर है वो यहाँ पर आती है, उसके बाद में ही सारी चीज़ें तय हो पाएगी कि उनका इलाज अभी यहाँ चलेगा या दिल्ली में रेफ़र किया जाएगा। लेकिन माना जा सकता है कि उन्हें यहाँ से दिल्ली रेफ़र जो डॉक्टरों की टीम है उसे चर्चा करने के बाद में किया जा सकता है। सतवीर, बी डी कल्ला पहुँचे हुए हैं, लगभग कितनी देर अभी वो रुकेंगे यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर से भी बातचीत वो कर रहे हैं और हालचाल भी वो ले रहे होंगे रामेश्वर डूडी के। जी बिल्कुल, जो चिकित्सक हैं उनसे जो मेडिकल है वो जानकारी अभी भी ले रहे हैं, स्वास्थ्य कितना उनमें सुधार हुआ है, कितना जो कल की जो स्थिति थी उसके बाद में कितना बेहतर जो सुविधा देखने को मिला है उसके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ से जुटाई जा रही है, और ख़ासतौर पर जो मेडिकल जो बोर्ड है उससे भी बात की जा रही है, जिसमें डॉक्टर अचल शर्मा जो एसएमएस के अधीक्षक हैं उनसे भी जो चर्चा है वो की जा रही है, तो माना जा सकता है कि यहाँ से उनके इलाज अगर बेहतर तरीके से आगे मिल सके तो इसके लिए उनको जो दिल्ली है वो रेफ़र किया जा सकता है। फिलहाल आप जो आप बाहर का जो तस्वीरें है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो इंतजार है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि कब जो बीडी कल्ला यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ वो कहते हैं, क्या उन्हें एसएमएस अस्पताल से दिल्ली है वहाँ पर रेफर किया जाएगा। और दुआओं का दौर जा रही है, लोग दुआएं कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रामेश्वर डूडी सही हो जाए, लेकिन बेहतर इलाज के लिए आगे दिल्ली भी रेफर किया जा सकता है। सतवीर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इन तस्वीरों के लिए भी।